कर रहे हो? अरे बेल्ट हाल के आता है तो यार 16 मिनट ही बचे हैं। अच्छा ठीक है। और कोई लाइट भी नहीं है क्या? ये क्या हो रहा है? सॉरी इस कौन इज नोन फॉर डूइंग गुड वर्क। दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय आवर चीफ मिनिस्टर साहब फडनवीस जी टुडे। इट इज सपोर्टेड बाय द पिरामल ग्रुप। द तुलसियानी फैमिली हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स इट। आई जस्ट सॉ इट। I think it's a wonderful क्या अच्छे कर्म जो करते हैं ना, ये एक अच्छा कर्म है। कूपर हॉस्पिटल यहाँ पर कहाँ कहाँ से पेशेंट्स आते हैं, ज़रूरतमंद लोग। अब वो अपनी ट्रीटमेंट करवाएं या खाने के लिए पैसे कहाँ से लाएं, तो यहाँ पर सारे पेशेंट्स को फ्री में खाना मिलता है। और मैं अभी किचन देख कर आई हूँ, इतना साफ़ सुथरा और फुली ऑटोमेटेड, मैकेनाइज टोटली। और प्रेशर ना हो कि भाई अब यहाँ पर भी पैसे देने पड़ेंगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड डीड, एंड बहुत अच्छी तरह से और सफाई से हो रहा है। तो आई थिंक जिन्होंने भी इसमें हाथ डाला है उन्हें तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जो भी मैम, जब भी ऐसी कोई गतिविधि होती है, बच्चों का हिस्सा लेते हैं या आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि चलो अच्छा काम करते हैं, फिर मैं बहुत कर ली, थोड़ा देखिए समाज सुधारते हैं, ऐसा कुछ होता है कुछ? जैसे बड़ी होती जा रही हूँ ना, अकल आने लगी है। और हाँ, जैसे ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस और होते हैं, फैमिली के, लाइफ के, डेथ के, डिजीज़ के, जब आप उसे करीब से देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, तब आप समझते हैं कि दुख क्या होता है, चिंता क्या होती है, दर्द क्या होता है। और जब तक आप वो नहीं देखते ना, आप पूरी तरह एक अच्छे इंसान नहीं बनते। कुछ ऐसी घटनाएँ मेरी भी ज़िंदगी में हुई हैं जहाँ पर मुझे एहसास होने लगा, नहीं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो ना, तो इसमें पुण्य मिलता है। एक बहुत अच्छी, ये बातें मैंने सुनी थी, मगर अब मुझे एहसास और महसूस होने लगा है कि कुछ अच्छा करने जाओ, एक तो टेंशन ही नहीं होती, और जब उसकी आदत डाल दो ना, तो आप देखना आपकी खुद की ज़िंदगी सवर जाती है। तो जो आप चाहते हो वो आपको मिलने लगता है। ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा रहस्य भी है और बहुत सादी सी बात भी है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें इसलिए बोलते थे, भाई दान धर्म ज़रूर करना,
ये आप जैसे आप देना शुरू करोगे ना, ऊपर से वो लेना भी शुरू हो जाता है। तो ये चक्कर आप समझ लीजिए और आप करिए। पहले आप चाहे इसमें बिलीव करें ना करें, आप करिए तो सही, और देखिएगा कुछ ही सालों में ये आदत बन जाएगी, आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे और सक्सेस आपके कदम चूमेंगे। मैम इसके अलावा आप प्रोड्यूसर बने, अगर आप बताना चाहें। ऑलरेडी अभी आपने चॉक इंडस्ट्री की, उसमें भी एक अच्छा मैसेज है। हाँ, एक मज़ा आया। एक तो मैं आर्टिस्ट हूँ ही और मैं फिल्में करती रहूँगी। अभी भी मेरे पास दो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आई हुई हैं, तो मुझे लगता है काम तो मेरा यही है, साइड बिजनेस मेरा यही है कि अच्छे अच्छे काम करूँ। और मज़ा एक बहुत आता है अगर एक अच्छा सब्जेक्ट हो जिसमें कोई सिर्फ रोमांस या ये वो ये बातें ना हो, कोई एक सोशल मैसेज हो, मगर एक बहुत दिलचस्प तरीके से अगर वो फिल्म में आ जाए, तो फिर ऐसी फिल्म में काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कारण क्या रहा, क्या रीजन रहा, बनी नहीं या फिर फिल्में हिट नहीं हो रही, समथिंग लाइक दैट? कुछ कुछ ऐसा ही कुछ था कि उस समय हमारी फिर भी दिल हिंदुस्तानी कुछ इतनी नहीं चली, बाद में बड़ी अप्रिशिएट हो गई, मगर उस समय जब फिल्म थिएटर में आई तो इतनी नहीं चली थी, तो थोड़ा धक्का लगा। फिर अशोका बनाई, वो थोड़ी सी चली, उसको क्रिटिकल अक्लेम बड़ा मिला। फिर उसके बाद चलते चलते बनाई, फिर मगर फिर उसके बाद हम लोग बना नहीं पाए कुछ, तो थोड़ा सा बिखर गया। मैम, आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो? अपकमिंग प्रोजेक्ट? हाँ जी, लाइक आई सेड कि दो फिल्में हैं जिनकी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, मतलब एक तो मैंने आज ही पढ़ी, बहुत कमाल की है। आप मुझे एक महीने का समय दीजिए, ये फाइनलाइज हो जाए, मैं ज़रा साइन कर दूँ तो फिर नाम भी बता दूँगी। आगे हम देख पाएंगे कि आपको शाहरुख के साथ कोई फिर से आप लोग कुछ नया क्रिएट कर पाएँ, कोई अच्छी स्क्रिप्ट पर काम कर पाएँ? आई होप सो। आई मीन कमाल हो जाएगा अगर शाहरुख जी के साथ या आमिर साहब के साथ या जिनके साथ मैंने पहले बहुत अच्छा काम किया हो, अगर हम फिर से कुछ अच्छा काम कर सकें, चाहे फिल्म बना ले, प्रोड्यूस कर ले या उसमें एक्ट कर ले, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिल्मों में हम देखते हैं कि आप अब मैसेज देते हैं, पहले आपकी फिल्म बड़ी चुलबुली होती थी, वो बहुत लाइट हार्टेड होते थे, तो अब वो फिल्में नहीं देखने को मिल रही हैं आपकी, ऐसा क्यों? स्क्रिप्ट ऑफर नहीं हो रही है या फिर आप ही नहीं कर रही हैं? नहीं ऐसा, हाँ ये नहीं हो, मैं ये नहीं कह सकती कि हर रोज़ मेरे पास एक स्क्रिप्ट आ जाती है और मैं उसे कहती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता है। कम स्क्रिप्ट्स मुझे सूट करती हैं और उनमें से जो मुझे अच्छी लगती है, एक तो मैं दिल से काम करती हूँ, अभी भी इंटरव्यू दे रही हूँ तो दिल से दे रही हूँ, तो काम करना है तो बहुत जम के काम करना है। अब जो दो स्क्रिप्ट हैं ना, वो सच्ची अगेन अच्छी फिल्में हैं, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ उनमें। और जैसा कहा है कि जैसे आप बढ़ते हो तो आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, आप सिर्फ छोटी बातें नहीं करना चाहते हर समय। एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट तो होनी ही चाहिए, उसके बिना तो फिल्म फीकी हो जाती है। एंटरटेनमेंट इज वेरी नेसेसरी। आपकी शुभकामनाएं हो तो वो प्रोड्यूस भी कर देंगे। थैंक यू। Yeah, I'm going to go to the next one.